मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वैसे तो मियां बीवी के बीच में झगड़े होने की खबर सामने आती रहती है, मगर एक खबर ऐसी भी सामने आई है जहां बीवी ने अपने शौहर को लादी मारकर सर फोड़ दिया है, जिसके बाद शौहर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उसके सर में कई टाँके लगे हैं। पूरा मामला उल्लासनगर का है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जितेंद्र शेरवानी ने बताया कि उनकी बीवी सीमा शेरवानी से उनका हमेशा झगड़ा होता रहता था और डिवोर्स का मामला भी चल रहा है, मगर उनसे नाराज उनकी बीवी ने उन पर हमला कर दिया। पहले मोबाइल फ़ोन छीनकर फोड़ दिया और इस दौरान दोनों के बीच में बहस होने लगी। तभी जितेंद्र की बीवी सीमा ने लादी उठाकर जितेंद्र के सर पे मार दिया। जख्मी हालत में जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां सर में उसके कई टाँके लगे हैं। सीमा के खिलाफ पुलिस में जितेंद्र ने शिकायत भी दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में जितेंद्र शेरवानी ने क्या कुछ पूरी जानकारी दी है, आपको सुना दें। मेरा नाम जितेंद्र गोपाल दास शेरवानी है। मेरा वाइफ का नाम सीमा शेरवानी है। उनका और मेरा डिवोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, जिस कारण कुछ कोर्ट में मुझे पैसे देने के लिए नहीं है, तो पैसे की मांग करने के लिए वो मेरे ऊपर केस के ऊपर केस और मुझे मारने की कोशिश कर रही है। आज मैंने इनके बिल्डिंग में, मेरे बिल्डिंग वालों ने मेरे से गणपति लिया। वो गणपति देने के लिए, उनका काम करने के लिए मैं जैसे बिल्डिंग के एंट्री में बिल्डिंग वालों के साथ जा ही रहा था, तो उसने मेरा मोबाइल छीन के, मोबाइल तोड़ के और मेरे को एक लादी का टुकड़ा सर पे मार दिया। पूरा वही टाइम मैं हाथ पकड़ के सर पे पुलिस चौकी में गया। पुलिस चौकी से मेरे को एक पेपर दिया सेंट्रल हॉस्पिटल का। सेंट्रल हॉस्पिटल में आके मैंने इधर से ट्रीटमेंट की और मेरे को यहाँ पे बहुत टाँका आ गया है और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है पूरा। मैं पुलिस से दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। उसको पैसा चाहिए और मेरे ऊपर 498 का केस किया था, उनका बेल कैंसिलेशन का ऑर्डर आने वाला था, तो वो ऑर्डर लेट हो रहा है, कुछ जज ने लेट किया है कुछ कारण, तो उनकी पूरी बरास खुनस वो मेरे ऊपर निकाल रही है और काफ़ी दिनों से मेरे को मारने की कोशिश कर रही है। आज से 15-20 दिन पहले भी झूलेलाल मंदिर के इधर मेरे पीछे पत्थर मारने के लिए आई थी, उसके भी मेरे पास CCTV फुटेज है। ठीक है,